एसएससी एमटीएस के 2020 वाला वैकेंसी में मेरा महाराष्ट्र स्थित में 2622 2622 रैंक आया है। मैथ में 25 नंबर था पूरा। अच्छा, एक विद्यार्थी आए हुए मिलने के लिए, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं। और आप लोग भी, अभी रिसेंटली एसएससी का एग्जाम का रिजल्ट आया है तो उसमें वो सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते होंगे तो, ठीक है ना। मुर्शीद जी थोड़ा भेज दीजिए, हाँ आइए। जीवन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। मिठाई की क्या जरूरत है जी बाबू, मिठाई की कोई जरूरत नहीं थी, खुश रहिए। तो ये सारा मिठाई हम खाएंगे, ठीक है ना। इसमें से आप लोग को एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहले इनको हम खिलाएंगे, ठीक है ना। हम खाएंगे, आप खाएंगे पहले, आप इतना बड़ा एग्जाम के लिए किए हैं, इतना सारा मिठाई ये देख लीजिए आप लोग। देखिए, हम समझ रहे हैं कि आप लोग के मुंह से पानी आ रहा है, लेकिन मिलेगा नहीं। आज जितने लोग आगे बैठे हैं उनके मुंह से ज्यादा पानी आ रहा है। पहले आप खाइए। और थोड़ा सा खा लीजिए। थोड़ा सा ले लीजिए। आप लोगों भी, चलिए हम खा लेते हैं। रख दीजिए। आप लोगों को भी मिलेगा, जब आप लोग सेलेक्ट होके आइएगा तो आप लोगों को भी मिलेगा एक पीस, अब बाकी सब हम खाएंगे, ठीक है ना। तो ये अपने बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा बताइए इन लोगों को, इतना सोचना नहीं है, सब लोग कमजोर है आपसे। मेरा नाम जीवन कुमार है, एसएससी एमटीएस के 2020 वाला वैकेंसी में मेरा महाराष्ट्र स्थित में 2622 2622 रैंक आया है। मैथ में 25 नंबर था पूरा। रीजनिंग में एक नॉर्मल एरर कर दिए थे जिसका एक नंबर कम हो गया था, 23.75। एक नॉर्मल एरर कर दिए थे जो नहीं होना चाहिए था हमसे, 23.75 एक नंबर गलती हो गया था। मैथ में आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? अच्छा, अरे शांत रहिए। देखिए, ये कोई अच्छा बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आवाज फील करिए आप लोग। तो मैथ में कितना आया था? 25। और रीजनिंग में कितना? 23, मतलब 24 नंबर। और इंग्लिश में 19 ना? 18। और जीएस में 12। तो अभी एमटीएस में फाइनली एमटीएस का इतना हाई कट ऑफ गया है, और इसके बावजूद भी इनका सिलेक्शन हो गया है, महाराष्ट्र जोन मिला इनको, ठीक है ना। और रैंक कितना है? 2622 रैंक है। तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि कब ये तैयारी करना है स्टार्ट किए, थोड़ा बताएंगे कि कब तैयारी करना है स्टार्ट किए। और हम मुख्य रूप से साइंस के विद्यार्थी हैं, तो साइंस के लेवल का ही तैयारी करते थे, तो इसी हिसाब से एयरफोर्स का फॉर्म डाले थे। पिछला बार जो वैकेंसी कैंसिल हुआ एयरफोर्स का, उसमें मेरा भी मेरिट बन गया था, लेकिन वैकेंसी कैंसिल हो गया, उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 126 था, उसमें भी हो गया था 126 रैंक था ऑल इंडिया, 126 रैंक ऑल इंडिया रैंक 126 था उसमें, ठीक है ना। लेकिन वो वैकेंसी कैंसिल हो गया, इस कारण से उसमें नहीं हो पाया।
तो कैंसिल हो गया था, ठीक है ना? कौन सा वैकेंसी था? अग्निवीर से पहले वाला ना, एयरफोर्स का वैकेंसी, एयरफोर्स वाले में, एयरफोर्स ग्रुप वाई से, एयरफोर्स ग्रुप वाई में। ओके, अग्निवीर आया ना उससे पहले का वैकेंसी, अग्निवीर वाला में ना, अग्निवीर से पहले वाला वैकेंसी जो कैंसिल हुआ था उसमें। अच्छा, जो कैंसिल हुआ था उसमें। ओके, बताइए लोग कैसे पढ़े, कैसे कुछ बताइए, कैसे आप पढ़ाई किए? तो वही हम इंटर के ही सिलेबस से आ रहे थे पढ़ते हुए, बस इंग्लिश एक्स्ट्रा ऐड किए थे, और बेसिक के हिसाब से ही अभी भी मतलब बेसिक प्लस एडवांस मैथ बनाते हैं। मेन मेरा बेसिक ही फोकस रहता है, और सिर्फ क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी, और उससे भी ज़्यादा है प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस करना। सेट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, प्रैक्टिस सेट हमें स्टार्ट किए थे तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस करना और सेट मारना, सबसे ज़्यादा सेट मारना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? और ऑनलाइन वेबसाइट एक है testbook.com, उससे हमको बहुत लाभ मिला है। हाँ, टेक्स्ट बुक पे जाके, कोई भी टेक्स्ट बुक है अभी, उससे बढ़िया एक वो लाइव बोर्ड करके आ रहा है, तो वो लाइव बोर्ड पे आप जाके टेस्ट दीजिए या टेक्स्ट बुक पे दीजिए, उससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है ना? SSC के लिए टेस्ट बुक का सेम सिलेबस हमको एग्जाम में फॉलो हो रहा था, एकदम जो बना रहे थे वही आ रहा था लगभग एग्जाम में। अभी भी कल हम एक एग्जाम दे के आए हैं, उसमें भी मैथ रीजिंग पूरा सही बना के आए हैं, अपने हिसाब से तो पूरा सही है। दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस और हेड कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल में भी मैथ में पूरा का पूरा बनाए हैं, ठीक है ना? मैथ रीजिंग पूरा बना के आए हैं सही। ठीक है सर, और उम्मीद करते हैं कि अगला बार जो है, अभी CHSL वाला रिजल्ट इस बार तो अच्छा आने वाला है आपका। कितना नंबर है लगभग इनका? CHSL में भी 163 नंबर है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार CHSL भी रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है ना? और कोई भी पढ़ने वाले बच्चे का, अभी पिछला दिन कुछ दिन पहले एक पंकज कुमार नाम के विद्यार्थी आए थे, उसका यूट्यूब पे हम वीडियो भी शेयर किए थे आप लोगों को, तो उनका भी पहले MTS ही हुआ था, और पहला उस CHSL में डिसक्वालीफाई किए थे, उसके बाद से उनका MTS फाइनल हुआ था, MTS के बाज से फिर CHSL फाइनल हुआ था, और CHSL के बाद से फिर से जो है CGL फाइनल हुआ था, और CGL में अभी जो था केंद्रीय सचिवालय में है, मैंने केंद्रीय सचिवालय का मतलब टॉप पोस्ट, ठीक है ना? CGL का एक टॉप पोस्ट माना जाता है CSS, कि किसी लड़के को दिल्ली में रहना है और UPSC की तैयारी करना है और साथ में ऑफिशियल जॉब चाहिए, पावर वाला जॉब, मैंने वहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, IAS ऑफिसर से लेकर सेक्रेटरी से लेकर, और इसके अलावे जितने भी मंत्री वगैरह जितने भी लोग हैं, सब लोग वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ काम करने से एक होता है ना कि पावरफुल कंटेक्ट भी डेवलप होता है, तो ये सब फायदा है, तो उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था, तो पहले उनका MTS में ही हुआ था, तो वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि नहीं दिक्कत होगा। GS सब कोई नहीं बनाता है, GS ऐड करने से थोड़ी है कि मैथ वाले लड़का को कोई रोक सकता है, सिलेक्शन मैथ वाले स्टूडेंट का ही होगा, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट क्या होता है ना कि वो स्कोर करता है। नहीं, ये नहीं सोचिएगा आप लोग ना, कि ये नहीं सोचिएगा कि मेरा सब्जेक्ट है इसलिए हम मैथ का तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद सोचिए कि मैथ में नंबर कटता नहीं है, और GS कितना ही पढ़िएगा तो 2-4 नंबर कटेगा, तो हालांकि बैलेंस बना के चलिए चारों में, लेकिन मैथ वाला स्टूडेंट लीड करेगा हर एग्जाम में, ठीक है ना? अब की बार NTPC का एग्जाम हुआ था, NTPC या ग्रुप डी, तो उसमें हम देखे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन में ट्विस्ट था। अभी हमसे बहुत सारा लड़का आके मिला NTPC या ग्रुप डी देकर, कल ही एक स्टूडेंट से बात हुआ था, तो कल विद्यार्थी बोल रहा था कि सर NTPC ग्रुप डी में जो आप पढ़ाए थे ना, हूबहू वही सब क्वेश्चन आया था, लेकिन वही बात किया था GS का, तो GS का बोला था कि GS सर हम बहुत पढ़े थे, और बहुत पढ़ने के बाद भी GS में जब ट्विस्ट आया ना वहाँ पे, तो क्वेश्चन GS का नहीं बना, फाइनली मैथ और रीजनिंग ही वहाँ पे भी मतलब सिलेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग गलत नहीं होगा, और GS का कोई भरोसा नहीं है। ये नहीं कि GS पढ़ना नहीं है, GS में जैसे ये 12 स्कोर, 12 ना किए हैं, 12 नंबर ना, मान लीजिए 12 किए हैं, तो ये नहीं कि नहीं पढ़िएगा तो 0 हो जाएगा, वो भी नहीं करना है। 12 किए हैं, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है,
20 के ऊपर 22 के ऊपर नहीं, 22 तो जाता ही नहीं है जीएस में, मतलब जीएस कितना ऊपर पढ़िएगा तो हाँ एक एवरेज मान के चलिए ना 18-19 नंबर आ जाएगा। बाकी इस तीन सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर करिए, मैथ में 100%, रीजनिंग में 100% और इंग्लिश में थोड़ा 100% या थोड़ा सा 19-20 और बाकी एक सब्जेक्ट पे रिस्क लीजिए। और क्या क्या उसमें भी हो जाएगा, सीजीएल में भी हो जाएगा। सीजीएल में दिए थे आपकी बार, मैथ कैसा गया था? 176। तो सीजीएल मेंस में भी इनका 176 नंबर है मैथ में, और इंग्लिश में 130 के आसपास। अच्छा तो उसमें इंटरव्यू बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, उम्मीद कम है। हाँ तो ठीक है, अगला बार हो जाएगा। प्री में भी कम है, फिर इंग्लिश में भी कम है, 130 नंबर है तो थोड़ा चांस कम रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है ना।